पिछले वीडियो में हम देखे थे कि शिप शैंक कैसे बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि शिप शैंक को किस प्रकार से लॉक किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में, शिप शैंक को लॉक करने का दो प्रकार होता है, ये मैंने बताया था। आज हम देखेंगे कि वो दो प्रकार क्या है और कैसे किया जाता है। ये शिप शैंक हमारा बन चुका है, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके दो प्रकार के लॉक होते हैं। पहला है परमानेंट लॉक। परमानेंट लॉक के लिए ये जो लूप बना हुआ है शिप शैंक में, उसमें रस्सी के सिरे को अंदर डाल के बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये बन जाता है परमानेंट लॉक। और अगर इसी को सेम हम परमानेंट लॉक दोनों तरफ से करते हैं, जो कि अति आवश्यक होता है, अगर परमानेंट लॉक किए हैं तो दोनों तरफ से ही होगा। ये हो गया परमानेंट लॉक, दोनों तरफ से परमानेंट लॉक। दूसरा प्रकार होता है टेम्प्रेरी लॉक। अगर शिप शैंक को टेम्प्रेरी लॉक करना है, जिससे कभी भी हम उसे खोल सकें और फिर से लॉक कर सकें, तो उसके लिए हमें लकड़ी का छोटा गुटका या पेन या पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक लकड़ी का छोटा गुटका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लिए जो लूप बना हुआ है, इसमें से हम अपने रोप के सिरे को बीच से ऐसा डाल देंगे, और ये जो दूसरा लूप बना, यहाँ पे लकड़ी के गुटके को डाल के टाइट कर देंगे। इससे ये रस्सी खिसकेगा नहीं और ये टेम्प्रेरी लॉक हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इधर भी करते हैं, ये लूप में से रस्सी को अंदर डाले और एक नया लूप बना लिए। ये नए लूप में लकड़ी के गुटके को अंदर डाल देंगे और ये टाइट कर दिए। इससे हमारा हो गया टेम्प्रेरी लॉक दोनों तरफ से। ये हो गया शिप शैंक के दो प्रकार के लॉक।